नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं उसी चमेली के पौधे के बारे में जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि इसको कैसे लगाना चाहिए। तो आज हम उस चमेली के पौधे के बारे में बात करेंगे और ये इतना बड़ा हो गया है और इसमें काफ़ी सुंदर फूल भी अब लगने लग गए हैं। तो मैंने आपको जैसा प्रॉमिस किया था कि मैं इस चमेली के फूल के और इस चमेली के पेड़ के जो भी फायदे होते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वो मैं बताने वाला हूं। तो ऐसे ही वीडियोस से संबंधित जानकारी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस हमेशा आपको प्राप्त होते रहें। हम पंचांग और पेड़ पौधों की पहचान और आयुर्वेदिक उपाय से संबंधित वीडियोस बनाते रहते हैं। चमेली एक ऐसा पौधा है दोस्तों जो अपनी प्राकृतिक आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका प्रयोग बिना वैद्यकीय सलाह के नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें जो भी प्रयोग करना है वो हमें पहले समझना है उसके बारे में, उसके बाद में उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। में काफ़ी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ होती है, सो इसको यूज़ करने से पहले आपको इससे संबंधित सारी जानकारी जो है वो इसके बारे में जान लेनी चाहिए ताकि इसका इफेक्ट ना हो। तो मैं आपको 5 इसके प्रमुख गुण बताने वाला हूँ। चमेली में जो फूल खिल रहे हैं, ये जो फूल खिलते हैं उनकी खुशबू से आपका दिन बन जाता है और कई औषधीय गुणों के साथ कई रोगों में भी यह पौधा कारगर साबित होता है, लेकिन इसकी मात्रा जो है वो 10 ग्राम से हमें अधिक प्रयोग नहीं करनी चाहिए। इसकी खुशबू दिमाग को शक्तिशाली प्रभावित करती है। साथ ही मैं आपको 5 इसके प्रमुख गुण बता देता हूँ। चमेली तेल जो है ये एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। घाव अथवा चोट लगने पर इसको तेल में डुबो करके उस हिस्से पर लगाने से दर्द कम होता है। अगर आप तनाव का शिकार हैं तो तनाव का शिकार, अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं या अधूरी नींद के कारण आप डिप्रेशन में चले गए हैं तो आप चमेली का पेड़ जहां पर है, जहां पर ये फूल जहां पर लग रहे हैं वैसे वाले बगीचे में चले जाएं और वहां बैठ जाएं कम से कम 5 से 10 मिनट, तो उससे आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होने वाला है। मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो तीसरा प्रयोग है वो आपके मुँह में छाले हो गए हों, मुंह में छाले हो जाने पर इसकी 8 से 10 पत्तियों को आप तोड़ लें और उनको मुंह में रख कर के धीरे धीरे चबाएं और उनका जो लार्वा है वो मुंह में आसपास से फैलने दें। इससे आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा मित्रों। अगर आप यह प्रयोग 2 से 3 बार करते हैं तो आपके जो छाले हैं वो संपूर्ण रूप से वो नष्ट हो जाएंगे, आप जो है वो स्वस्थ हो जाएंगे। छाले होने पर भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर सर्दियों के टाइम पर बिवाई जो फटती है उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बिवाई फटने पर इसके पत्तों का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके पत्तों का लेप आप बिवाई पर लगा सकते हैं जिससे आपको काफ़ी आराम देखने के लिए मिलता है, काफ़ी आराम मिलेगा इससे आपको। और साथ ही 5वां जो प्रयोग है इसका, चमेली के फूल को पीस करके, जो चमेली का फूल होता है वो चमेली के फूल को पीस करके आप पर भी आपको दांत खाज खुजली जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पर आप इसको एज ए एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल करें। इससे आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा और जो दर्द है उसमें भी आपको तुरंत आराम मिलेगा। तो इस प्रकार प्रमुख इसके 5 फायदे होने वाले हैं। यह वही चमेली का पौधा है जो हमने आज से लगभग 2 साल या 3 साल पहले हमने लगाया था और जिसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डला हुआ है, वो हमने अपलोड कर रखा है कि चमेली का पौधा कैसे लगाना चाहिए। और आज हमें बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि यह जो चमेली का पौधा है ये काफ़ी बड़ा हो गया है और इसमें काफ़ी फूल लगने लग गए हैं। अभी आप देख सकते हैं आज जो है इतने सारे फूल यहाँ पर नीचे गिरे हुए हैं। सो इस प्रकार जो है ये चमेली का पौधा काफ़ी भव्य रूप से यहाँ पर आकार ले चुका है। तो आप इसका प्रयोग जरूर करें, जहाँ पर भी ये दिखे आप इसका प्रयोग करें और वैद्यकीय सलाह के साथ में इसका प्रयोग करें और 10 ग्राम से ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग कभी भी ना करें। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो मित्रों तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी चमेली के जो भी गुण हैं उससे संबंधित जानकारी उनको प्राप्त हो सके। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।